हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि आपने टाइटल देख लिया है कि मेकअप शूट करने के बाद मेरे जो रूम की स्थिति है वो किस तरीके से होती है। तो प्लीज़ गाइस, देखने के बाद सपोर्ट करिएगा। बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। देखने के बाद ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो शूट करने के लिए। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरे घर की क्या हाल है और मैं किस तरीके से करती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैं बैठती हूँ, ये है मेरी जगह जहाँ मैं बैठ के मेकअप शूट करती हूँ, और ये सब फैला हुआ है अभी। और क्या मैं दिखाऊँ, उधर ये ट्राईपॉड, इसके साथ ये ऐसे करके मैं मेरा जो जगह है मेकअप शूट करने की वो मैं यहाँ पे करती हूँ। और ये सब इधर फैला है क्योंकि ये आरुष उड़ गया है और आरुष ने इस तरीके से फैला दिया हुआ है, अस्त व्यस्त एकदम पड़ा हुआ है। अब मुझे ये सब ठीक करना है, उसके बाद पहले तो मैं मेकअप रिमूव करूँगी, उसके बाद मैं ये सब ठीक करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, इतना सारा सामान फैला हुआ था तो मैंने सोचा पहले इसको अच्छे से इसकी जगह वापस रख देती हूँ, उसके बाद मैं अपना मेकअप आराम से बैठ के रिमूव करूँगी। तो मैं सारा ज्वेलरी वगैरह जितना भी सामान बाहर निकला हुआ था वो सब मैंने सेट करके रख दिया था, क्योंकि आरुष अगर एक बार देख लेता है तो सारा सामान फैला देता है, फिर मुश्किल हो जाता है उसको संभालना। देखिए मेरा मेकअप रिमूव हो चुका है, अब मैं टोनर से इसको गाइस सब कुछ मैंने सेट कर दिया है, बस बेडशीट लगानी है। वो बेडशीट मैंने धुल के रखी हुई है तो बाद में। और आरुष हाय बोलिए। ओके गाइस बाय। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।